भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है भारत की सामूहिक ताकत। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास। बीते दशकों का हमारा ये अनुभव रहा है कि जब हम विकास को सीमित रखते हैं तो अवसर भी सीमित हो ही जाते हैं। जब शिक्षा कुछ ही लोगों, कुछ ही वर्गों तक सीमित थी तो राष्ट्र का टैलेंट भी पूरी तरह निखरकर सामने नहीं आ पाया। जब बैंकों तक कुछ लोगों की पहुंच थी तो व्यापार कारोबार भी सीमित ही रहा। जब बेहतर कनेक्टिविटी केवल कुछ शहरों तक सीमित थी तो ग्रोथ भी उसी दायरे तक सीमित रही। यानी विकास का पूरा लाभ ना तो देश की बड़ी आबादी को मिल पा रहा था और ना ही भारत की असली ताकत उभर कर सामने आ पा रही। बीते 8 वर्षों में हमने ये सोच और अप्रोच दोनों बदली है। हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इस पर बल दे रहे हैं। और जब मैं सबका प्रयास कहता हूं तो इसमें हर देशवासी शामिल है और देश का हर राज्य शामिल है। छोटा बड़ा जो भी हो, सबका सामर्थ्य बढ़ेगा तब जाकर भारत विकसित बनेगा। इसलिए हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं जो पीछे रह गए, वंचित रह गए, जिनको छोटा समझा गया। यानी जो पहले वंचित था वो अब हमारी सरकार की वरीयता में है। इसलिए आज छोटे किसानों के लिए वरीयता के आधार पर काम किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि का बड़ा लाभ यहां विदर्भ के किसानों को भी मिला है। ये हमारी ही सरकार है जिसने पशुपालकों को वरीयता देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा है। हमारे रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहन, स्ट्रीट वेंडर्स, उन भाई बहनों को भी पहले कोई पूछता नहीं था, वो भी वंचित थे। आज ऐसे लाखों साथियों को भी वरीयता देते हुए बैंक से आसान ऋण मिल रहा है। साथियों, वंचित को वरीयता, वंचित को वरीयता, इसका एक और उदाहरण हमारे आकांक्षी जिलों का भी है। देश में 100 से अधिक जिले ऐसे हैं जो आजादी के इतने दशकों बाद भी विकास के अनेक पैमानों पर बहुत पीछे थे। इनमें से ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र थे, हिंसा से प्रभावित क्षेत्र थे। इनमें मराठवाड़ और विदर्भ के भी अनेक जिले शामिल हैं। बीते 8 वर्षों से हम देश के
ऐसे ही वंचित क्षेत्रों को तेज विकास की ऊर्जा का नया केंद्र बनाने पर बल दे रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है वे भी इसी सोच और अप्रोच का प्रकट रूप है।